नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष राय, आप देख रहे हैं द क्वेश्चन आर भारत। आज की न्यूज दो भाषाओं में होंगी, इंग्लिश हिंदी दोनों। हिंदी इसलिए ताकि नॉर्थ को समझ में आ जाए, इंग्लिश इसलिए ताकि साउथ को समझ में आ जाए। साउथ को समझाना बहुत जरूरी है और साउथ को एक तरीके से मैं इसलिए आज पर्टिकुलर लैंग्वेज इंग्लिश इसलिए रखी है मैंने, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत वैसे अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ इंग्लिश इसलिए रखी है मैंने कि हमारा जो कनेक्शन है, अगर इंग्लिश ही मीडियम बन सकता है कनेक्शन को एस्टैब्लिश करके उन तक अपनी बात को पहुंचाने का, तो यही सही। क्योंकि हम लोग की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग एक दूसरे के लिए वो कनेक्शन फील नहीं कर पाते। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उसके बाद भी हम लोगों ने कोई रिएक्शन नहीं किया। हम लोगों ने सोचा कश्मीर में कुछ हो रहा है, कश्मीर की बात है, हमसे क्या मतलब। वेस्ट बंगाल में कुछ हो रहा है, रोहिंग्या घुस रहे हैं, आतंक मचा के रख दिया है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, हम चुप हैं। असम में कुछ हो रहा है, हम चुप हैं। केरल में कुछ हो रहा है, अभी भी हम चुप हैं। रिएक्शन नाम की चीज दे ही नहीं रहे। द थिंग इज कि अब समय कम से कम इतना तो आ जाए कि एक दूसरे को पता हो कि अगले को हमारी चिंता है। अगर मैं नॉर्थ इंडिया का होके साउथ के लिए बात उठा सकता हूँ, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि एटलीस्ट मेरी आवाज़ को दूर तक पहुँचाइए और मेरे द्वारा ही अपनी बात को रखिए और उनको यह एहसास दिलाइए कि आपके साथ रेस्ट ऑफ द कंट्री है। भारत बुला रहा है, रक्त रक्त को आवाज दे रहा है, उठो। हमारे पास अब गंवाने के लिए समय नहीं है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक आपको मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं। एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें जो केरल में हुआ था, आरएसएस वालों को ये दिखाया गया, हथकड़ी वथकड़ी पहना के पूरा डोमिनेट करने की कोशिश की गई, नारे लगे, मजहबी नारे लगे। उसके बाद भी अगर मैं बोलूँ कि मजहबी थे और वगैरह वगैरह, तो लोग कहेंगे कि मैं नफरत फैला रहा हूँ, हेट स्पीच कर रहा हूँ वगैरह वगैरह। लोग लिख रहे होंगे, कुछ लोग तो अभी लिख रहे होंगे हिंदू मुस्लिम मत करो, नफरत मत फैलाओ, हमेशा नफरत क्यों करते वगैरह वगैरह। तो उन गद्दों से मैं कहना चाहता हूँ कि भाई पूरी वीडियो मत देखो, तुम चले जाओ, तुमको इतनी दिक्कत है, तुम चले जाओ। जो लोग थोड़ा रैशनली सोचना चाहते हैं और इस मुद्दे को सीरियस समझते हैं, वही रुकें, वही देखें, वही शेयर करें, और कोई नया तो सब्सक्राइब की बिना मत जाना। तो उस वक्त की वीडियो में मैंने जो बात कही थी, आपको आई बटन दे देता हूँ, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, पूरा देखिए। उसके बारे में आरएसएस के बारे में इन मौलवी मौलानाओं का क्या कहना है, उस वीडियो में एक क्लिप ये भी अटैच्ड है, वो भी देखिए। उस इवेंट से रिलेटेड ही ये इवेंट है, उसकी वजह से ही ये यहां तक की बात पहुंची। कैसे, इस वीडियो में आपको पता चलेगा, और ये प्री प्लान्ड था, कैसे वो भी आपको पता चलेगा। तो पहले मैं आपको चीज़ें रीड करके, जो मेरे पास डाटा है, एक्चुअली वही इंग्लिश में, मेरी बहुत इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो उसको मैं रीड करूँगा, उसके बाद हिंदी में समझा दूँगा, किसी को बिल्कुल ही नहीं समझ आता। नंदू आर कृष्णा, ये नाम है व्यक्ति का जिसकी डेथ हो गई है, मतलब दो ग्रुपों के बीच की मुठभेड़ में कुछ लोग जख्मी हुए, लेकिन दो व्यक्ति ऐसे थे जिनमें से एक का हाथ काट दिया गया और एक का गला। ये गला काटने वाली परंपरा किस कल्चर की है मुझे बताने की जरूरत नहीं। नंदू आर कृष्णा एंड आरएसएस शाखा फंक्शनरी हैक्ड टू डेथ बाय एसडीपीआई पीएफआई काडर ऑन 24th फरवरी 2021 एट वायला अल फुजा डिस्ट्रिक्ट। द असेलिएंट इन्फ्लिक्टेड डीप कट ऑन हिज नेक यूजिंग स्वॉर्ड। मतलब 24 तारीख को नंदू को गला काट के मार दिया गया उस तलवार से, मतलब एसडीपीआई पीएफआई का पॉलिटिकल विंग है तो उनके लोग थे। हिज बॉडी इज केप्ट एट अल फुजा मेडिकल कॉलेज फॉर पोस्टमार्टम। नायडू एस अनदर आरएसएस शाखा फंक्शनरी इज आल्सो सीरियसली इंजर्ड इन द सेम अटैक। ही इज एडमिटेड टू प्राइवेट हॉस्पिटल इन एर्नाकुलम। हिज हैंड वर चॉप्ड ऑफ यूजिंग स्वॉर्ड। मुझे पता है, समझ में सबको आ रहा होगा, जो दूसरा व्यक्ति है उसके ऊपर भी अटैक हुआ था, वो भी सीरियसली इंजर्ड है, उसके हाथ काट दिए गए हैं। जो 22 साल का नंदू है, जो जिसकी डेथ हो गई है, वो अपने परिवार का इकलौता बच्चा था। फॉलोइंग द इंसिडेंट पुलिस अरेस्टेड 8 पर्सन बिलोंगिंग टू एसडीपीआई पीएफआई। एसडीपीआई पीएफआई के 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज लास्ट फ्यू डेज द एसडीपीआई ऑर्गेनाइज्ड वेरियस प्रोग्राम्स इन वेलर एंड मेड डेरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट हिंदू सिंबल्स। तो सोर्सेज का यही कहना है, हिंदी में समझा देता हूँ, कि जो एसडीपीआई थी उसने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया, वहाँ पे हिंदू सिंबल्स के ऊपर अभद्र टिप्पणियाँ की। टू कंडेम
दिस एक्ट प्रोसेशन वॉज ऑर्गेनाइज इन नागान कुलंगरा जंक्शन बोथ द विक्टिम्स वर पार्ट ऑफ दिस प्रोटेस्ट मार्च जो विक्टिम्स थे जो घायल हुए वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा थे जो प्रोटेस्ट इस चीज को कंडेम करने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था कि भैया तुम हमारे सिंबल्स को कैसे इंसल्ट कर सकते हो ठीक ड्यूरिंग दिस मार्च द एसडीपीआई पीएफआई कार्डर पेल्टेड स्टोन क्रिएटेड वायलेंस मतलब कैसे देखते हैं मुस्लिम पक्ष ने एसडीपीआई पीएफआई ने पहले डेरोगेटरी रिमार्क पास किए हिंदू सिंबल्स को आरएसएस वालों ने एक प्रोसेशन निकाला कि कैसे कर दिया तुमने ऐसा हमें अच्छा नहीं लगा हमें आहत हुआ हमारी भावनाएं आहत हुई सिर्फ प्रोसेशन निकाला उस पे भाई मतलब हिम्मत देखो कॉन्फिडेंस देखो कि भाई अगर हम तुम्हें गाली दे रहे हैं तो तुम हमारे खिलाफ खड़े कैसे हो रहे हो हम तुम्हें गाली दे सकते हैं उसके बाद तुम्हारा काम यही कि तुम चुपचाप सुनो खड़े होकर प्रोसेशन निकाल के तुम क्या जताना चाहते हो हमें डिमीन क्यों करना चाहते हो हमारा ये नेचर है हम तुम्हें गाली देंगे हमारा काम और अगर तुम हमारे खिलाफ खड़े होगे कि भाई गाली क्यों दे रहे हो क्वेश्चन करोगे हमको तो हम उस पर पत्थरबाजी करेंगे हम उस बात का भी विरोध करेंगे कि हमारा ये हक कैसे छीन लिया अब माइनॉरिटी को इतना भी हक नहीं कि मेजॉरिटी को गाली दे सके कल्चर की बात होती है हमने यही सीखा है हम देंगे गाली तुम मत खड़े होना हमारे विरोध में ठीक फॉलोइंग दिस पुलिस रिक्वेस्टेड द पीपल टू ईज टेंशन एंड आरएसएस वर्कर लेफ्ट द प्लेस फॉलोइंग द रिक्वेस्ट पुलिस ने कहा भैया शांति का माहौल बनाइए आरएसएस वाले मान गए जगह छोड़ के चले गए लेकिन जो बट द असैलियंट वर नॉट रेडी टू डिसअपीयर एंड टारगेटेड द हाउस ऑफ आरएसएस मंडल फंक्शनरी इन द एरिया उन्होंने उस घर को टारगेट किया डेट सी बात है जो लोग मरे या जो ग्रुप मरा उसी एरिया को टारगेट किया लेटर अराउंड 9:45 PM द कल्प्रिट्स अटैक द विक्टिम्स यूजिंग डेडली वेपन्स व्हाइल दे वर ऑन द वे टू देयर होम उसके बाद जब वो लोग अपने घर की तरफ जा रहे थे तो डेडली वेपन से अटैक किया गया 9:45 के अराउंड ठीक है आप सब समझ सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहा हूँ कोई इतना जाहिल नहीं है फर्दर इट इज नोटेड दैट द वेपन्स वर ब्रॉट फ्रॉम नियर बाई मॉस्क अब मॉस्क से हथियार ले आना मॉस्क में हथियार रखना मॉस्क में हथियार पाया जाना ये कोई नई बात नहीं और कश्मीर में जब कश्मीरी हिंदू पंडितों को भगाया गया मारा गया रेप किया गया ऐलान हुआ तो मॉस्क ही इस्तेमाल हुआ था वहां के लाउड स्पीकर से इस्तेमाल हुए थे हथियार वहीं से उठाए गए थे तो अगर तुम बोलोगे कि मैं तुम्हें डिमीन कर रहा हूँ रिलीजियस हारमोनी बिगाड़ रहा हूँ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लगवा रहा हूँ तो सॉरी भाई मैं बस आपके चरित्र का आपके कैरेक्टर का एक्सप्लेनेशन ही कर रहा हूँ कि आप कैसे हैं मैं बस उसको डिफाइन कर रहा हूँ आपको आईना दिखा रहा हूँ और उसके ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ जो चीज़ है उसको बस मुंह से बोल के बता रहा हूँ दिस क्लियरली शोज दैट द प्रोवोकेशन एंड अटैक वॉज प्रीमेडिटेटेड वन मतलब साफ बात है आपने पेंटिंग की पुलिस आई पुलिस ने पक्ष से कहा तितर बितर हुई है साइड हुई एक पक्ष चला गया दूसरा पक्ष रहा दूसरे पक्ष ने वेट किया कि कहीं ना कहीं तो मिलेंगे वहां मार देंगे ठीक अगर ये प्री प्लान्ड नहीं था तो आप भी चले जाते आप रुके क्यों थे पुलिस दोनों को हटाने के लिए आई थी एक पक्षी क्यों हटा लॉजिक की बात है दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम एसडीपीआई पीएफआई इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन द एरिया अर्लियर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सबरीमला प्रोटेस्ट अ ग्रुप ऑफ एसडीपीआई पीएफआई कैडर ट्राइड टू अटैक अ प्रोसेशन ऑफ डिवोटीज फॉलोइंग अ डेमोंस्ट्रेशन देन द पीएफआई मेन कम विद डेडली वेपन इंक्लूडिंग स्वॉर्ड फ्रॉम द मॉस्क नेम्ड चंदरूर मॉस्क फिर से सबरीमला के टाइम में भी इन लोगों ने एसडीपीआई पीएफआई वालों ने फिर से उस प्रोसेशन को डिस्टर्ब करने की कोशिश की हथियारों के साथ आए इस मॉस्क के चंदरूर मॉस्क के द्वारा हथियार मिले मतलब वहीं से हथियार उठाए गए और अनफॉर्चुनेटली देन द पुलिस रिफ्यूज टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट देम एसडीपीआई और पीएफआई लोगों के अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया पुलिस ने रिफ्यूज कर दिया इट इज बिलीव दैट द पीएफआई कार्डर ऑफ दिस एरिया एंजॉय द साइलेंट सपोर्ट ऑफ लोकल सीपीआई एमएमपी आरिफ अब एरिया का एमपी सपोर्ट कर रहा साहब पुलिस कैसे हाथ लगाएगी यूनियन टेरिटरी तो है नहीं पीएफआई से संबंधित आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं उसको देखिए उसको समझिए कि क्या प्लान कर रहे हैं इस्लामिक स्टेट इज अ फाइनल गोल पीएफआई एंड सत्य सार ने हिडन मोटिव इज टू एस्टैब्लिश इस्लामिक स्टेट इन इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड
all over the world. That's the what about all Muslims, you know. All over the world? All over the world. Why only in India? After making India an Islamic state. And then go to other states. और अभी भी एक PFI से रिलेटेड मेरे पास एक बुक है जिसमें PFI से रिलेटेड कई ऐसे तथ्य हैं, कई ऐसी बातें हैं जो उनकी हिस्ट्री को बयान करती है कि पहले ये ऑर्गेनाइजेशन किस रूप में था, कहाँ से शुरू हुआ, कौन कौन लोग थे और जब जब इस ऑर्गेनाइजेशन पे गाज गिरी है, जब जब इस ऑर्गेनाइजेशन पे खतरा आया है, उसने नाम बदल बदल के उन्हीं लोगों ने उन्हीं मेंबर्स ने नाम बदल बदल के नए नए ऑर्गेनाइजेशन खोले। ये लास्ट जैसे होते ना जैसे प्रॉफिट मोहम्मद इनके आखिरी में प्रॉफिट थे उसी तरीके से PFI अभी इनका रीसेंट का लास्ट बोल दें या फिर सेकेंड लास्ट बोल दें कब इनका रीसेंट का ये ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे ख़त्म होते होते डिजॉल्व होते होते या रीऑर्गेनाइज होते होते ये बना है। मतलब PFI कोई बहुत नई चीज़ नहीं है, ये पुराना फल है जो अब पक रहा है। अब आपको उस लड़के की फ़ोटो दिखी, मैं आपको वो वेपन दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको वो लोकेशन दिखाना चाहता हूँ, इन सब चीज़ों को देखिए समझिए, ये वेपन, ये लोकेशन, ये लोग, ये चेहरे, ये बॉडी, ये एजेंडा, ये नारे। और अगर अभी भी आपको अपना सर शुतुरमुर्ग की तरह धरती में गाड़ के रखना है तो हो सकता है कि आप भविष्य में दो तरह के इंसान बने और उसका कॉन्सिक्वेंस दो तरह का हो। पहला, या तो आप इतने सेकुलर और लिबरल बन जाएंगे कि देश को बर्बाद होते हुए देख, देश का इस्लामीकरण होते हुए देख, आप कुछ नहीं करेंगे और एक दिन हो जाएगा तो बारी आपकी आएगी, अगली बारी आपकी इसलिए आएगी क्या तो आप कन्वर्ट हो जाइए या तो मारे जाइए या तो देश छोड़ दीजिए। ठीक, ये पहला व्यक्ति बनने का पहला कॉन्सिक्वेंस था। दूसरा, या तो आप वीर बनिए, स्टैंड लीजिए, भारत के लिए स्टैंड लीजिए, भारत के लोगों के लिए लीजिए, हिंदू के लिए लीजिए, कल्चर के लिए लीजिए, जो जो मर रहे हैं उनके लिए लीजिए, जिनको आप मरने से बचा सकते हैं उनके लिए लीजिए ताकि कोई एक्शन हो। इसमें भी एक कॉन्सिक्वेंस होगा कि हो सकता है उनका असली चेहरा बाहर आ जाए, मार काट करना शुरू कर दें, फिर सब मिलकर टैकल कर लेंगे, शायद उसमें भी कुछ लोगों की जान जाएगी, हो सकता है कि आप अगला निशाना बन जाए, आपके साथ कुछ गलत हो जाए, लेकिन एटलीस्ट आप आग लगाने वालों में से नहीं आग बुझाने वालों में से गिने जाएंगे, तो आप तय करिए। खैर, मैं चाहता हूँ इस वीडियो को, क्योंकि इंग्लिश हिंदी दोनों में थी, माना कि मैंने सिर्फ रीड ही किया है, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं किया, लेकिन हाँ, आप नॉर्थ से लेकर साउथ, ईस्ट से लेकर वेस्ट, जहाँ तक शेयर कर सकते हैं करिए, बात पहुँचा सकते हैं पहुँचाइए, इसका स्टैंड ले सकते हैं लीजिए, PFI को बैन कराइए, इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कराइए, इस पर ज़्यादा ज़्यादा सैंक्शन लगवाइए, जो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जा सकता है लिवाइए, वरना अगला नंदू कहीं का भी हो सकता है, अंकित शर्मा, रिंकू शर्मा, मतलब आप और कितनी कुर्बानियाँ देखना चाहते हैं, या तो आप यही कमेंट बता दीजिए कि हम सब देख लेंगे लेकिन हम कोई स्टैंड नहीं लेंगे। खैर, अब सब आपके ऊपर है। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।